सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, थोड़ा सारे का स्वागत खबरों के इस बुलेटिन दे विच। सब तो पहला चोणवीं खबर। पाकिस्तान विच दो सिखां दा गोलियां मार के कतल। बाइडन वल्लों दक्षण पूर्वी एशियाई मुल्कां लई दूत दे नां दा ऐलान। राष्ट्रपति बाइडन ने सुपर मार्केट की घटना ते कहा, घरेलू अतवाद नूं खत्म करन लई सारिआं नूं होणा चाहीदा खड़े। कणक की बरामद से पाबंदी लगाउण दे भारत के फैसले ते तिल मिलाया, यूरोप G7 बैठक विच उठेगा मुद्दा। सुनील जाखड़ ने छड्डी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी नूं दस्या जिम्मेवार। जाखड़ वल्लों कांग्रेस नूं अलविदा कहण ते बोले श्वेत मलिक, कहा कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत। हुण खबरां दा विस्तार। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनवा खेतर के उप नगरी इलाके सरबंद इलाके विच ऐतवार नूं अणपछाते बंदूकधारियों ने सिख भाईचारे नाल संबंधित दो व्यक्तियों का गोली मार के कतल कर दिता। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने दसिया कि मारे गए दो व्यक्ति सरबंद के बाटा ताल बाजार के मसाले वेचण वाले दुकानदार सन। पीड़ितों की पछाण सुलजीत सिंह 42 साल और रणजीत सिंह 38 साल वजों हुई है, जिन्हों की मौके पर ही मौत हो गई। SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह तामी ने सिख व्यक्तियों की मौत से दुख प्रगटाया। पुलिस ने मौके पर पहुँच के दोषियों को फड़न लई इलाके की घेराबंदी कर दी। हमले की तुरंत किसी समूह ने जिम्मेवारी नहीं ली है। जिक्र योग है कि पेशावर विच लगभग 15,000 सिख रहिंदे ने। इन्हां विचों ज़्यादातर सूबाई राजधानी के जोगन शाह इलाके विच ने। पेशावर विच सिख भाईचारे के ज़्यादातर मैंबर कारोबार नाल जुड़े हुए ने, जबकि कुछ फार्मेसियां भी चलाउंदे ने। खैबर पख्तूनवा के मुख मंत्री महबूब खान ने हमले की सख्त निंदा की है और पुलिस नूं दोषियों नूं गिरफ्तार करन लई तुरंत कदम चुकन दे निर्देश दिते ने। उन्हां इस घटना नूं आपसी भाईचारक सांझ नूं भंग करन दी साजिश करार दिंदिआं कहा कि मृतकां दे परिवारां नूं इंसाफ दवाया जाएगा। पिछले साल सितंबर विच एक मशहूर सिख हकीम यूनानी दवाई प्रैक्टिशनर नूं पेशावर विच उसके क्लीनिक विच अणपछाते बंदूकधारियों ने गोली मार दित्ती सी। 2018 विच एक प्रमुख सिख भाईचारे के मैंबर चरणजीत सिंह की पेशावर विच अणपछाते व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दित्ती गई सी। इसे तरह रविंदर सिंह नां दे न्यूज़ चैनल दे एंकर दा 2020 विच शहर विच कतल कर दिता गया सी। 2016 विच पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नैशनल असेंबली दे मैंबर सोरेन सिंह दी भी पेशावर विच हत्या कर दित्ती गई सी। 2017 दी मरदमशुमारी दे अनुसार हिंदू पाकिस्तान विच सब तो वड्डी धार्मिक घट गिणती ने। ईसाई दूजी सब तो वड्डी धार्मिक घट गिणती बनाउंदे ने। अहमदी, सिख अते पारसी भी पाकिस्तान दीयां उगियां धार्मिक घट गिणतियां विचों ने। राष्ट्रपति जो बाइडन ने दक्षण पूर्वी एशियन नेशनज एसोसीएशन के दूत वजों कौमी सुरक्षा परिषद के मुखी यूहानस अब्राहम नूं नामजद किया। आसियान मुल्कां दे आगुआं नाल वाशिंगटन विच दो दिनी विशेष सिखर सम्मेलन मगरों अमरीकी नुमाइंदे दा नाम ऐलानिया गया। रूस वल्लों यूक्रेन ते हमले मगरों बाइडन ने प्रशांत खित्ते दे नाल नाल एशिया वल वधेरे ध्यान देना शुरू कर दिता है। बाइडन ने अब्राहम नूं अपने नेड़ले सलाहकारां चों इक करार दिता है। अब्राहम दी नियुक्ति तां ही संभव होवेगी जेकर सैनेट इस दी तसदीक कर दिंदी है। अमरीका विच न्यूयॉर्क सिटी दे सुपर मार्केट विच बंदूक दी हिंसा दी घटना ने एक बार फिर राष्ट्रपति जो बाइडन नूं झंझोड़ के रख दिता है। राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि अजिही हिंसा नूं खत्म करन लई जल्द तो जल्द सख्त कदम चुकन दी लोड़ है। उन्होंने इस घटना विच मारे गए सारे 10 लोगों के परिवारां नाल हमदर्दी प्रगटाई है। राष्ट्रपति बाइडन ने इस नूं घरेलू अतवाद या घरेलू अतवाद कहा। जिक्र योग है कि शनिवार को बफेलो सिटी के सुपरमार्केट दे विच एक पागल व्यक्ति ने अन्नेवा गोलियां चला के 10 लोगों की हत्या कर दी सी। व्हाइट हाउस तो जारी एक बयान विच कहा गया कि असी उन्ना सारे नागरिकां दे परिवारां प्रति संवेदना प्रगट करते हैं जिन्हां दी जान गई है जां जो इस भयानक गोलाबारी विच जख्मी होए ने। बयान विच इस मौके हौसला दिवाउण वालियां दा भी जिक्र किया गया। कहा गया कि कानून अते शांति बहादुर होण कारण इस नूं रोकिया जा सकदा है। उसने समय सिर कार्रवाई की अते कई जाना बचाईया। बयान विच राष्ट्रपति ने कहा कि ओ अते देश की पहली महिला इन्ने सारे लोगों प्रति दिलों अते देशवासियों की तरफों संवेदना प्रगट करते हैं। बयान विच कहा गया कि पूरा देश अते इस दे नागरिक
इस औखे समय विच मज्जां दे नाल खड़े होकर राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि किसी भी तरह का घरेलू अतवाद भावें राष्ट्रवाद के नाँ ते जां किसी होर नाँ ते कीता जांदा है गलत है। सारे नूं इस विरुद्ध डटन की लोड़ है। अजिही हिंसा की किसी भी सभ्यक समाज में कोई थान नहीं है। अजिही हिंसा ते अजिहा करन वालियां लई कोई थान नहीं होनी चाहिए। अमरीका ने देशवासियों नूं कहा कि अजिहियां घटनावां नूं जड़ तो खत्म करने लई सारियां नूं खड़ा होना चाहिए। भारत ने वधदियां घरेलू कीमतां ते काबू पाउण लई तुरंत प्रभाव नाल कणक दी बरामद ते पाबंदी लगा दित्ती है। भारत ने कहा कि कणक दी घट पैदावार अते विश्व पद्धर ते कीमतां विच तेजी इस फैसले पिछे मुख कारण ने। इस दे नाल ही युद्ध कारण ओ हुण अपनी भोजन सुरक्षा बारे चिंतित सी। वैसे शुक्रवार नूं जारी हिदायतां तों पहलां सारियां खेपां अते निर्यात सौदियां ते कोई पाबंदी नहीं होवेगी, पर सारियां भविखी सिसमेंटा लई सरकार दी मंजूरी दी लोड़ हुंदी है। यानी निर्यात उदों ही कीता जा सकता है जदों भारत सरकार किसी भी देश की बेनती ते इस नूं मंजूरी देवे। पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान सुनील जाखड़ ने पार्टी नूं अलविदा आख दिता है। उदयपुर च चल रहे चिंतन शिविर दौरान कांग्रेस लई इह वड्डा सियासी झटका है। जाखड़ ने कांग्रेस नूं गुड लक एंड गुड बाय आख के अज अपने फेसबुक पेज ते दिल दी गल रखी। पंजाब विच कांग्रेस लई इह वड्डा झटका है क्योंकि साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहलां ही कांग्रेस छड़ चुके ने अते साबका प्रधान नवजोत सिद्धू खिलाफ़ अनुशासनी कार्रवाई बकाया पई है। श्री जाखड़ ने भविख दे सियासी सफर बारे पते अजे नहीं खोले, परंतु सारियां सियासी धिरां दियां नज़रां उन्हां ते टिकियां होईयां ने। पंजाब दे सियासी पिड़ विच सुनील जाखड़ दा अक्स साफ सुथरा रहा है अते ओह वड्डे हिंदू चेहरे वजों पछाणे जांदे ने। कुछ दिन पहलां कांग्रेस हाईकमान ने उन्हां खिलाफ़ अनुशासनी कार्रवाई करदे होए सारे अहुदे वापस लै लए सन। जाखड़ ने अज 12 बजे लाइव होकर सोनिया गांधी नूं खरियां खरियां सुनाइयां अते अंबिका सोनी खिलाफ़ विन विन के निशाने लाए। जाखड़ परिवार वालों कांग्रेस नूं दित्ते गए 50 वरियां दा उन्हां जिक्र किया। उन्हां दियां गल्लां विच अज दर्द भी दिखिया अते पार्टी प्रति रंज भी नज़र आया। जदों अमरिंदर सिंह तो अस्तीफा लैण मगरों सुनील जाखड़ नूं मुख्यमंत्री बनाए जाण दी गल तुरी सी तां उदों अंबिका सोनी ने बयान दाग दिता सी कि पंजाब दा मुख्यमंत्री सिख चेहरा होना चाहिए। उन्हां कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नूं कहा पूरे मुल्क विच सियासत करो परंतु पंजाब नूं बख्श दिओ। सुनील जाखड़ वालों कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कहण ते पंजाब भाजपा दे साबका प्रधान श्वेत मलिक ने कांग्रेस पार्टी ते तिखा हमला बोलिया है। पत्रकारां दे सवालां दा जवाब देंदे होए मलिक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत तो मुक्त हो रही है जिस नूं खुद महात्मा गांधी खत्म करना चाहुंदे सन। साबका पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वालों इस संबंध में की गई टिप्पणी बारे उन्हां कहा कि इसका जवाब तो सिद्धू ही दे सकते हैं। इस तरह उन्होंने स्वीकार किया कि पंजाब के कई विधायक भाजपा के संबंध में ने क्योंकि भाजपा देश में सब तो वड्डी अते उभरती पार्टी है। झड़ी लगी है जी कांग्रेस लोग जो जा रहे हैं और बहुत लोग ने जो आने वाले समय चले जाएंगे क्योंकि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। कोई संगठन नहीं है, कोई किसी का सम्मान नहीं है। सो सुनील जाखड़ जी की अंतरात्मा ने आवाज़ दी अज जो कांग्रेस में चढ़ के चले गए। मैनू नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी ये देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। जो महात्मा गांधी जी की सोच थी उन्होंने कहता सी कांग्रेस भंग करते हुए कांग्रेस किसी काम की नहीं रहेगी। सो वो जो प्रत्यक्ष रूप में अज हो रहे पंजाब के भी हालात बहुत माड़े है इस वक्त जो चल रहे हैं लगातार लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिल्कुल हालात माड़े ने जी। जिहड़ा कि तुसीं देखो ना गुप्तचर विभाग विजिलेंस का इंटैलीजेंस का आतंकवादी पहुंच जाए तो एक बड़ा चिंता का विषय है। और जो मर्डर्स हो रहे हैं खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी गंभीर स्थिति है। सो आम आदमी की सुरक्षा सब तो वड्डा दायित्व होंदा है सरकार का जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर पा रही। सर इस तो अलावा गल करिए अंबिका सोनी जो उन्होंने वड्डे सवाल खड़े किए नहीं मैं समझना वा कि कांग्रेस की लीडरशिप जी है वो परिवारवाद उन्होंने अंबिका सोनी जी भी उस परिवार की काफ़ी नज़दीक मने जाते हैं। सो ऐसे ही लोग ने जोड़े कि पार्टी को नष्ट कर रहे हैं। सो मैं समझना कि सुनील जाखड़ जी के पिछे हले लंबी लड़ी है जी कि कांग्रेस को छड़न लिए तैयार है। नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान आया वो कहते हैं कि पार्टी पद्धर से बैठ के जी गल करनी चाहिए है। नहीं नवजोत सिंह सिद्धू की गल नवजोत सिंह सिद्धू ही करेगा। सर एक जी राणा सोढी के पिछले स्टेटमेंट आई थी कि आप जो कुछ विधायक जो संपर्क के नहीं बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी को विकल्प समझ रहे हैं क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, 70% भारत से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, आज दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी है, 17 करोड़ कार्यकर्ता ने जिदे, इस तरह सब तो वध MP, सब तो वध MLA, सब तो वध मेयर, सब तो वध सरपंच, सब तो वध पंच, तो सारा देश भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। मैं समझना कि सारा देश हर पार्टी के जिहड़े लोग ने वो भाजपा नाल जुड़ना चाह रहे। 328 पावन सरूपों का हिसाब लैण संबंधी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के मैंबर सिख जुडिशियल कोर्ट पहुँचे, जिथे उन्होंने अगली तारीख मिल गई है। उन्होंने इस संबंधी कहना है कि वह पहला सबका प्रधान लोंगोवाल को इसका पावन सरूपों का हिसाब लैण लई गए से, फिर वह बीबी जगीर कौर नूं मिले और मुड़ हुण अज हरजिंदर सिंह धामी मौजूदा प्रधान श्रोमणी कमेटी नाल भी तालमेल कर 328 सरूपों बारे जानकारी लैणगे। इस मौके गलबात करदे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के आगू इमान सिंह मान, सकत्तर हरबीर सिंह संधू और हरपाल सिंह ने दसिया कि उन्हां वल्लों 328 पावन सरूपों की पड़ताल संबंधी सिख जुडिशियल कोर्ट में पेश किया गया और अज मुड़ तो नवी तारीख मिली है। इस केस विच एक गल सामने आ गई कि श्रोमणी कमेटी के सकत्तरां के हुक्मां ते ये पावन सरूप गुम होए, वह 60-60 लाख रुपए लै रिटायर हो गए हैं, पर अंत विच रिकॉर्ड क्लर्क कमलजीत सिंह नू नजायज़ तौर पर तंग परेशान किया जा रहा है अते उस नू लैके उस दे फंड रोके जा रहे ने अते सस्पेंड किया होया है। असी अज प्रधान श्रोमणी कमेटी हरजिंदर सिंह धामी नाल मुलाकात कर इस संबंधी गलबात करांगे। अज कई साल हो गए 328 सरूपां दा जिहड़ा सिख जुडिशियल दे विच असी केस दायर कीता सी पार्टी वल्लों, उहदी अज तरीक वजों इत्थे पेशी वजों इत्थे आए हां, और असी इह महसूस करदे हां कि जिस तरीके नाल दूजियां कोर्टां ने सानू खज्जल ते खुआर कीता है काफ़ी केसों के लिए, और असी 328 सरूपां दा एक डिफरेंट हिसाब लेना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी मनुख की गल नहीं है, ये मनुख नू पैदा करन वाले की गल है, जिन्हों निरपक्ष इतों सानू इंसाफ मिलने की आस ला के बैठे हैं, वह करके तरीक ते आया। देखो सानू भरोसा तो विश्वास चलाया जा रहा है, पर सानू इस गल का नहीं पता साढ़े 328 सरूप महाराज साहब के कि हालात कितने पे है, वो कि संत को साढ़े गुरु दोखी को पे है कि जे भी सिख कौम अमन चैन नाल कितने बहन लग्या करूगी तो वह एक अद्धा साडा सरूप खिलार दिया करनगे। इस करके कौम चाहती है कि ये साढ़े सरूप जेडे महाराज साहब के सू पता लगना चाहिए है भी वह पे कितने है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जी मीरी तो पीरी की तर्जमानी करती है, और निरपक्ष इस गलते उन्होंने जोर दिता है कि सानू साढ़े सरूप दसने चाहिए, ना वक् वक् प्रधान आए हैं, ना बीबी जगीर कौर ने दसिया, ना लौंगोवाल ने दसिया है, तो अज अस धामी साहब को भी बेनती करते हैं, पर उन्होंने भी सानू विश्वास दिता है कि असी इन्हों का जल्दी जल्दी निपटारा कर देना। तुम अच्छे साढ़े को जिन्हों ने इन्हें नजला झाड़िया है, कमलजीत सिंह जिहड़ा उत्थों का इंचार्ज से जिहड़ा सूप देता सी, उन्हें साढ़े अज इतने वहदे माप हो के गल भी की कोर्ट के विच कि मैनू इन्होंने फोन करते SGPC के मैंबर, और अपने फोन तो गल नहीं करते, जिहड़ा बंदा सरूप लैण आउंदा सी उन्होंने फोनों तो गल करते कि तुसीं इन्हां नूं सरूप दे दो और इहदी पक्की रोकण च रजिस्टर च एंट्री ना करियो, एक कच्चा लिख लियो, असीं आपे इहदा हिसाब किताब बराबर कर लाँगे, और वह अज नाल खड़ा है, उहदे ते उहदियां पेंशनां भी रुक गईआं है, उहदे फंड भी रुक गए, उहनूं सस्पेंड भी कर दित्ता गरीब नूं, ते जिहड़े वड्डे वड्डे इत्थे SGPC दे मैंबर जिन्हां ने सारा कुछ किया है वह 60-60 लाख रुपया लै के गुरु की गोलक चो तो वह फंड लैके अपने घर चल गया। यह मतलब कितना ना कि शंका जहर हों कि वे जे SGPC के लीडर है वो ही चोर है, इस करके असं इतों इंसाफ लैन वास्ते आए। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ MP LAD ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ
अपना योगदान पा सकी है। उन्हां मुख्यमंत्री भगवंत मान अते समुची कैबिनेट नूं अपील कीती कि तुसी पंजाब नूं केजरीवाल दे हथ ना सौंप दिओ। मानसा विच जिला पदरी दिशा कमेटी दी प्रधानगी करन पहुंची साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पिछली मीटिंग अते अज दी मीटिंग दौरान केंद्र सरकार वल्लों स्कूली बच्चियां नौजवानां अते विकलांगां लई कई नवीं स्कीमां चलाईयां गईयां ने जिन्हां दा अज वेरवा लिया गया है। उन्हां कहा कि अज लोड़ है कि पिंड पद्धर ते कैंप लगा के इन्हां स्कीमां दा लाभ आम लोगों तक पहुँचाया जाए क्योंकि अक्सर ही विचोलिए अपनियां करीबियां नूं स्कीमां दा लाभ पहुँचाउंदे ने अते असल जरूरतमंद वांझे रह जांदे ने। उन्हां कहा कि डिप्टी कमिश्नर मानसा नूं हिदायत कीती गई है कि पिंडां विच कैंप लगा के लोगों नूं स्कीमां दा लाभ दिता जाए क्योंकि इन्हां लोगों नूं ज़्यादा जानकारी नहीं हुंदी। सेहत सहूलतां अते आयुष्मान सेहत योजना लई उन्हां नूं कहा कि साडे सेहत मंत्री मानसा तों ने अते मैं उम्मीद करदी हां कि सरकार बणदियां ही ओह हस्पतालां दा दौरा करके कमियां नूं दूर करन लई अपना योगदान पाउणगे। उन्हां कहा कि आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना एक अजिही स्कीम है जिस दा करोड़ां लोगों ने फायदा उठाया क्योंकि कई बार पैसे ना होण करके इलाज की कमी कारण गरीब लोगों की मौत हो जाती है। उन्हां कहा कि जेकर केंद्र सरकार लोगों नूं अपने परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाउण की सहूलियत देती है तो सूबा सरकार नूं चाहिए कि वह इस स्कीम नूं लोगों तक पहुँचा के अपना योगदान पावे। उन्हां कहा कि पहला कांग्रेस अते हुण आम आदमी पार्टी की सरकार वल्लों पैसों की घाट कारण यह स्कीम बंद पई है। उन्हां सेहत मंत्री नूं अपील की कि तुसी सूबा सरकार ते दबाव पाओ अते मैं केंद्र सरकार ते दबाव पावांगी ताकि इस इलाके नूं वधिया सेहत सहूलतां देण लई अपना योगदान पा सकीए। पंजाब सरकार वल्लों लोकां नाल कीते वादे याद करवाउंदिआं सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वोटां समय तुसी लोकां नाल वड्डे वड्डे वादे कीते सन अते हुण पंजाब दे लोक तुहाडा इंतजार कर रहे ने क्योंकि पंजाब दीआं महिलावां 1,000 रुपये प्रति महीना अते प्रति महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी हर परिवार उड़ीक कर रहे हैं। उन्हां कहा कि तुसी पंजाब दे अफसरां नूं दिल्ली बुलाउणा बंद करो अते पंजाब विच आए लोकां नाल कीते वादे पूरे करो। उन्हां मुख्यमंत्री भगवंत मान अते समुची कैबिनेट नूं अपील कीती कि तुसी पंजाब नूं केजरीवाल दे हथ ना सौंप दिओ क्योंकि लोकां ने तुहानूं वोटां पाईआं ने अते अजिहा स्पष्ट बहुमत कई सालां बाद किसे भी सरकार नूं मिलिआ है। सो सारा वेरवा लिखा है ते मैनूं देखण नूं मिल रहा है कि पिछली बारी जब मेरी दिशा दी मीटिंग होई सी ते हुण काफ़ी सारी सेंटर वल्लों नई स्कीमां खास तौर ते स्कूलां वास्ते बच्चियां वास्ते विकलांगा वास्ते काफ़ी कुछ नई चीज़ा नौजवानों जिहड़ा लोन वगैरह भी दिता जाता है। सो उन्हां सारिआं दा वेरवा लैके अज लोड़ है कि इन्हां दे कैंप्स ला के लोकां ताईं जिहड़े बेनीफिशरीज़ हैं भावें नौजवान है भावें स्कूल दे बच्चे ने उन्हां नूं पता लगे कि सानूं की मिल सकदा है सरकार तों। नहीं तो होंदा की है कि जिहड़े विचोले हुंदे जिन्हां नूं पता आपदिआं नूं तां दिलवा दिंदे ने लेकिन असली जिहड़े लोड़मंद हुंदे ने ओह उत्थे दे उत्थे रहि जांदे ने। सो डीसी साहब नूं भी मैं बेनती कीती है कि रूरल एरियाज़ ते वध तों वध कैंप लगा के भावें गरीबां दे मकान होण भावें लैटरीन हो भावें किसे दे कई मेरे कोल आंदे जिन्हां दे कोल मकानां दे 1 या 2 किश्त आ गए अगे दे किश्तां बंद हैगियां इन्हां बंदिआं नूं नहीं पता कि किवें अपलोड करना हैगा जियो टैगिंग इन्हां दी हैंड होल्डिंग करके इन्हां नूं इन्ना पूरा इन्हां दी किश्त दिलवाई जाए। जिहड़े विकलांग बच्चे उन्हां दी मदद वास्ते भी ग्रांटां आंदियां ने ओह उन्हां ताईं पहुँचाया जाए जिहड़े स्कूल दे बच्चियां दी हैगियां ਉਹ ਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਕਮੀ ਲੱਗੂਗੀ ਮੇਰੇ MP ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਵਿਰੋਧ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ JP ਨੱਡਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ
पत्रकारां नाल गलबात करदिआं होइआ कहा कि केंद्र दी भाजपा सरकार खिलाफ़ विरोध जताउण लई पहुंचे सी। कहा कि वध रही महंगाई नूं लै के रोस जाहिर करना जाणा सी पर उन्हां नूं पिछे रोक लिया गया। इस मौके पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वर्करां नूं हिरासत विच लै के अते धरना चकवा दिता गया। नौजवान बेरोजगार आ ये मंदिर मस्जिद की राजनीति छड़ के ये कुतुब मीनार ताजमहल तो बाहर निकल के आ मुद्दों के उत्ते राजनीति करन कैवें नौजवानों नूं रुजगार मिलेगा कैवें तेल दीआं कीमतां घट होणगीआं कैवें सिलंडर दीआं कीमतां घट होणगीआं कैवें लोकी महंगाई तो मार दे उत्ते पासे हटणगे। की लगदा पंजाब दे विच वी कांग्रेस दी सरकार रही लगातार इल्जाम लगदे नजर आए? उधर हर सरकारा ते लगदे असीं 10 रुपए की तेल दी कीमत घट की इन्होंने किया अज तक जमें इलैक्शन खत्म हो गया अज कि रेट बढ़ाता अज 11 रुपए तेल कीमत वधिया हुई पिछले 2 महीने सिलेंडर दी कीमत 100 रुपए तो वध गई 1000 रुपए तो सिलेंडर पहुँच गया सो दे बारे सोचना चाहते हैं। हाँ अभी उन्होंने ही अपना मेमोरेंडम देना चाहते हैं लेकिन कोई सू अगे नहीं जान दिता जा रहा नहीं गल की करनी अंदर सीधा वा सू रोस प्रदर्शन कर गल की करनी अंदर कोई गल समा दसूगा ना तो बीजेपी दो पार्टियां तो शुरू हुई अज इन्हां च हंकार ज्यादा आ गया। सरकार असीं भी बहुत बार बनाईआं 10 साल असीं भी राज कीता पिछले समय 5 साल असीं भी सरकार च राज कीता कोई 25 साल भी कहिंदे सीगे कोई कुछ कहिंदे सीगे ये राजनीति आ लोकतंत्र आ इहदे विच कदी कोई फिक्स टर्म नहीं ले लोग डिक्टेटरशिप नहीं आ सरकारां बदलदियां रहणगियां सरकार आंदियां रहणगियां। हाँ जी साडा कुछ नहीं असीं तां धरना मारना चाहुंदे आ या सानूं अरैसट कर लैण या सानूं धरना मारन देण साडा तां दो ही चीज़ां वा। भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा शनिचरवार को इत्थे वर्करां दे विशेष समागम विच पहुंचे। इस मौके उन्होंने कहा कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल के नाल पंजाब विच भगवंत मान की सरकार चल रही है। भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बनन खातर अरविंद केजरीवाल सामने पंजाब नूं गहने रख दिता है। अरविंद केजरीवाल सवेरे जिवें हुक्म देंदे ने भगवंत मान सारा दिन पंजाब विच उसे हुक्म की पालना करवाउंदा है। इस दौरान JP नड्डा ने दावा किया कि अगली बार पंजाब विच भाजपा की सरकार बनेगी। गलाडा मैदान विच समागम नूं संबोधन करते हुए कौमी प्रधान JP नड्डा ने कहा कि अजिहा इतिहास विच पहली बार है कि पंजाब दे लोग 50 दिनां विच ही आप दी सरकार नूं बहुमत दे के पछताउण लगे ने। पंजाब विच लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है बम धमाके हो रहे ने ते सरहद दे पारों हथियार आ रहे ने ते भगवंत मान इस ते झूठ बोल रहे ने। भाजपा के प्रधान JP नड्डा सनती शहर के नौगरा मुहल्ले स्थित शहीद सुखदेव थापड़ के घर में श्रद्धांजलि देने लई ई रिक्शा च सवार होकर पहुंचे। श्रद्धांजलि देने मगरों उन्हें ऐलान किया कि वह शहीद थापड़ के घर के सुंदरीकरण कार्यों में तेजी लियाएंगे। शहीद सुखदेव थापड़ के वारस अशोक थापड़ संदीप थापड़ ते अक्षित थापड़ ने भाजपा प्रधान का स्वागत किया अते उन्हां दा सन्मान किया। अमृतसर के नानक देव हस्पताल विच OPD वाली इमारत के हिस्से बीती शाम अग लग गई। इस मौके इमारत विच धुआं फैलन मगरों अग लगी गई। हस्पताल के अमले ते मरीजां दे रिश्तेदारां ने मरीजां नूं बाहर कढ के सड़क ते लियांदा जिस नाल जानी नुकसान होण तो बचाव रहा। इस दौरान मौके ते पुज्जे बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO ने अग लगन दे कारणां दी जांच दे आदेश दित्ते ने। उन्हां दस्सिया कि मुढ़ली जांच दौरान पता लग्गिया कि बिजली दे ट्रांसफार्मर विच धमाका होण मगरों तेल लीक होण कारण ये हादसा वापरिया। उन्हां बिजली विभाग के अधिकारियों नूं छेती तो छेती बिजली सप्लाई बहाल करन लई कहा। हस्पताल प्रशासन नाल गलबात करन मगरों बिजली मंत्री ने कहा कि हस्पताल विच बिजली दी लोड़ पूरी करन लई इत्थे कंपैक्ट बिजली सब स्टेशन लाया जाएगा। सरकारी मैडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर राजीव देवगन ने आख्या कि बिजली दे ट्रांसफार्मर विच होए धमाके तो बाद अग लगी है पर मरीजां नूं तुरंत बाहर कढ लैण नाल जानी नुकसान तो बचाव रहा। अग लगन वेले OPD विच मौजूद डॉक्टर राकेश शर्मा ने दस्या कि 3-4 धमाकियां मगरों OPD दे पिछले पासे इमारत विच धुआं हो गया ते बाद विच अग लग गई। हस्पताल विच 600 तो ज़्यादा मरीज़ दाखिल सन। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो यूथ क्लब की अगवाई हेठ खेत मजदूरों की मीटिंग इत्थे गुरद्वारा श्री गुरु रविदास महाराज बेगमपुरा बलियाल रोड विखे हुई जिस विच वड्डी गिणती विच खेत मजदूरों ने हिस्सा लैंदिया
झोने की लुवाई के रेट नूं लै के विचार चर्चा की। नाल ही एक मसले विच खेत मजदूरों का समाजिक बाइकॉट करन दी सख्त शब्दों में निंदा करदिया नारेबाजी की गई। मीटिंग नूं संबोधन करदिया जमीनी प्राप्ति संघर्ष कमेटी के जोनल प्रधान मुकेश मलौंद ने कहा कि महंगाई दर इन्नी तेजी नाल वधी है कि मजदूरों के परिवारों का पालन पोषण करना मुश्किल हो चुका है। उन्हां स्थानक चहला पत्ती दे एक किसान वालों सोशल मीडिया उपर एक वीडियो वायरल करके झोना लाने का रेट 3500 रुपये तय करके मजदूरों वध रेट देने वाले 50,000 रुपये जुर्माना अते दसण वाले 10,000 रुपये इनाम राशि देने का ऐलान करते हुए कहना ना मनण वाले मजदूरों जमीन दियाँ वट्टां उपर चढ़न तो रोकण वर्गे फरमान जारी करके खेत मजदूरों के समाजिक बाइकॉट करन दी सख्त शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि अजिहे फरमान जारी करन नाल मजदूरों के मान सन्मान नूं डूंगी सट वजी है। मलौद ने कहा कि अजिहे व्यक्ति संविधान दियां तज्जियां उड़ा के समाज अंदर भाईचारक सांझ नूं तोड़ के फिरकू माहौल बनाउण दियां कोशिशां कर रहे हैं। उन्होंने अजिहे अंसरां खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की मंग करदियां झोने की लुवाई के रेटा जिथे किसान मजदूरों वालों सांझे तौर पर बैठ के तय करन दी गल कही गई उत्थे पंजाब सरकार तो भी यह मंग की कि सरकार अपने तौर पर मजदूरों की दिहाड़ी अते झोने की लुवाई का रेट तय करे ता जो पिंडां दी भाईचारक सांझ नूं टुटण तो बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि 24 मई नूं मुख्यमंत्री नाल उन्हां दी कमेटी के आगुआं दी होण वाली मीटिंग विच जिथे पंचायती जमीन के मसले ते गलबात की जाएगी उत्थे दिहाड़ी के रेट विच भी सरकार की दखल अंदाजी की मंग की जाएगी। यह सन अज दियां मुख्य खबरां। होर अपडेट्स के लिए वेखते रहो पंजाब मेल USA TV। सत श्री अकाल जी।